प्रिय विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन आपके सामने है ये आपका गुणनखंड या फैक्टर से है, जो आपका अलजबरा से रिलेटेड है, अलजबरा यूनिट से आपका रिलेटेड है। ज़रा आप ध्यान दें, जो आपके एग्ज़ाम में अलजबरा 18 नंबर की आएगी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन, अलजबरा, कोऑर्डिनेट और आपकी त्रिकोणमिति, ये आपके हम यूनिट है करा चुके हैं, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट रह गया वो भी हम आपको करा रहे हैं। आप वीडियो बार बार देखते रहें, ये आपका 10th क्लास का या 10th क्लास का सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब ज़रा आप ध्यान दें, जो आपके सामने दे रखा है ये आपका क्वेश्चन फैक्टर से है या गुणनखंड से। क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² + 5x + 3, इसके हमें गुणनखंड करना है या फैक्टर करना है। अब ज़रा आप ध्यान दें, अभी तक जो हमने पिछली वीडियो कराई थी उसमें यहाँ पर 1 था, क्योंकि 1 लिखते नहीं है, केवल 1 था। देखिए ज़रा आप, 3 × 2 = 6, तो 6 को ऐसा तोड़ना है कि हमारा क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 3 × 2 = 6, तो अगर गुणा करने पर तो हमारा 3 × 2 = 6, हमें 6 लाना है। तो 3 × 2 = 6 मतलब 3 के और 2 से गुणा करेंगे और कोई संख्या बन नहीं रही, तो 3 × 2 से कर लो, क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x + 3x, कितना मिल जाएगा, 5। तो ये आपको जाएगा 2x² + 2x + 3x + 3। तो जो हमारा टूटा हुआ भाग है वो क्या गया, 2x + 3x, और गुणा करने पर क्या है, 3 × 2 = 6। आगे आप देखिए, ज़रा ध्यान दें, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, 3 × 2 = 6, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर आपका 5 आना चाहिए। तो दोनों को 3 × 2 = 6 गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 5 आ रहा है। अब आगे देखिए, 2x² + 2x + 3x + 3, ये जो अंडरलाइन में दे रखा है यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप 2x कॉमन लेंगे, अंदर आपको क्या बचेगा, x + 1 + यहाँ से आप 3 लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका, x + 1। अब ज़रा आप ध्यान दें, तोड़ने के बाद या कॉमन लेने के बाद में ये वाले मान और ये वाले मान, हम आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं कि ये वाले मान और ये वाले मान बराबर रहेंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं पर गलत है, गुणनखंड आपका कहीं ना कहीं पर गलत है। आप ज़रा ध्यान दें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा है, बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा अंदर आपका, 2x + 3, ये आपका गुणनखंड आ गया या टूटा हुआ भाग आ गया या टुकड़े आ गया, ऐसे कह सकते हैं आप, यही आपका आंसर है। अब जांच विधि ये है, अगर आप इन दोनों की गुणा कर दें, अगर आप इन दोनों की गुणा कर दें तो आपको ये वाला मान मिलेगा, ये आपकी जांच विधि है। अब ये आप एग्ज़ाम में अपनी जांच विधि कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा सही है या गलत है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप बार बार वीडियो को देखते रहें, अगर आपको वीडियो सही व सटीक लग रही है, अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।